वेलकम बैक टू माय चैनल सीमास फूड स्टेशन। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल में खोपरा पाक, वो भी बिना घी और बिना चाशनी के। तो चलिए हम शुरू करते हैं खोपरा पाक बनाना। खोपरा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम एक चम्मच पानी। पानी ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप दूध। 2 कप दूध ऐड करने के बाद गैस के फ्लेम को हम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए उबालेंगे। दूध को उबालते हुए हम गाढ़ा करेंगे, हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, इसे 20-25% ही गाढ़ा करेंगे, यानी 750 ml दूध है तो इसे गाढ़ा करके हम 1/2 लीटर करेंगे, बस इतना ही गाढ़ा करना है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम केसर। केसर ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो ऐड कीजिए, अन्यथा स्किप कर दीजिए, लेकिन केसर का फ्लेवर बहुत अच्छा खोपरा पाक में लगता है, इसलिए अगर आप संभव हो सके तो इसे ज़रूर ऐड कीजिए। और केसर के धागे ऐड करने के बाद फिर से हम इसे मिला लेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर मिलाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे। खोपरा पाक बहुत तरह से बनाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ, जो बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल झटपट बन जाती है और खाने में ये बहुत टेस्टी होती है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो ये तुरंत बन जाएगी। तो आप यहाँ दूध कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर में रेगुलर दूध आती है आप उसे ही यूज़ कीजिए। तो इस तरह से मिलाते हुए इसे हम गाढ़ा करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, जितना हमें चाहिए उतना गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी, स्वाद अनुसार इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं यहाँ 1 कप चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ और चीनी भी हम यहाँ नॉर्मल यूज़ करेंगे, यहाँ चीनी पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम चीनी ऐड कर देंगे और चीनी ऐड करके फिर से इसे मिला लेंगे और चीनी को दूध के साथ हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। जब चीनी दूध में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इस तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दूध बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही ट्रांसपेरेंट दूध की ज़रूरत है, यानी पतले दूध की ज़रूरत है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम नारियल का बुरादा। यहाँ पर मैं 400 ग्राम नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ और बुरादा ऐड करके इसे दूध में हम इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। नारियल के बुरादा को दूध में अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर और इलायची पाउडर को भी दूध और नारियल के बुरादे के साथ हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह इन सारी चीज़ों में जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम केसर वाला दूध। मैंने 1 चम्मच दूध में केसर डाल के इसे रखा था, उसे इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड करेंगे हम बहुत थोड़ा 1 पिंच फूड कलर। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा है तो ऐड कीजिए, अन्यथा स्किप कर दीजिए। और इन सारी चीज़ों को फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे और सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए हम गाढ़ा कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे हम मलाई। तो घर की जो दूध की मलाई होती है उसे ही हम ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से ऐड कर दें। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो उस स्थिति में आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर दें, और घी भी नहीं ऐड कर सकते हैं तो आप मिल्क पाउडर ऐड कर दें। जब दूध आप उबाल रहे हैं उसी समय मिल्क पाउडर डाल के इसे उबाल लें। तो और इस तरह मिलाते हुए इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है। गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इस तरह हम चलाएंगे, 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ा हो रहा है और साथ में आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया हुआ है, नहीं डार्क है ना लाइट है, बहुत सुंदर कलर आया हुआ है। तो यहाँ पर नारियल के बुरादा धीरे धीरे दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और ये गाढ़ा होते गया हुआ है और ये अच्छे से पैन छोड़ा है, यहाँ घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिना घी के ही अच्छे से ये खोपरा पाक बन के तैयार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से इसका मिश्रण तैयार हो चुका है। तो गैस के फ्लेम को बंद करते हैं और चलते हैं इसे सेट करते हैं। सेट करने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रे यूज कर रहे हैं, आप थाली भी यूज कर सकते हैं या कोई केक टिन भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें 1 से 2 चम्मच घी ऐड करके अच्छे से हम इसे चारों तरफ ग्रेस कर देंगे। तो इस तरह हम चारों तरफ अच्छे से ग्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। और ग्रेस करने के बाद
खोपरा पाक के बैटर को हम इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए हम बराबर कर लेंगे। ये आसानी से चारों तरफ अच्छे से बराबर हो जाता है, तो इस तरह से हम इसे बराबर कर लेंगे दबाते हुए। आप एक बार इस तरह से खोपरा पाक जरूर बनाइए, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इस तरह चारों तरफ हम अच्छे से फैला लेंगे और अब इसके ऊपर हम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप चाहे तो चांदी का बर्फ भी यूज कर सकते हैं, मुझे ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसे अच्छे से इस तरह से दबा देंगे फिर से, और दबाने के बाद इसे 2 से 3 घंटे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। दो घंटे बाद जब मैंने इसे फ्रीज से निकाला तो ये अच्छे से सेट हो चुका था। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। तो मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आपको जो पसंद है उस शेप में आप इसे कट कीजिए। तो इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। यहाँ हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे और आप देखिए कितने अच्छे से, बीच से मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से खोपरा पाक बन के तैयार हुआ है। चारों तरफ आप देख लीजिए कितने दानेदार बना हुआ है, और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ नज़दीक से। आप देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। ये बनाना बहुत आसान है, इसे